हे गाइस, दिस इज सहमान अंसारी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीडर बनने के लिए एटीट्यूड का होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि एटीट्यूड एक इतना वैस्ट सब्जेक्ट है कि अगर इस पर 100 बुक्स भी लिख दी जाए तो कम है। इसलिए लीडरशिप डेवलपमेंट में एटीट्यूड का क्या रोल है, इस पॉइंट को समझकर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। और इसे समझने के लिए आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सो आर यू रेडी? वैसे सवाल बहुत ही इजी और फनी है। इन सवालों को पढ़कर आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी। तो सवाल कुछ इस प्रकार है। मुझे पता है कि इन सारे सवालों का जवाब आपको पता है, फिर भी मैं आप लोगों को ये कुछ सिखाने के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। पहला सवाल है, जंगल का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? दूसरा सवाल है, जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर कौन सा है? तीसरा सवाल है, जंगल का सबसे तेज और दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चौथा सवाल है, जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? भले ही आप लोगों को पता है इनका जवाब, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा। और इन सवालों का जवाब कुछ इस प्रकार है। पहला, जंगल का सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है। दूसरा, जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर एलिफेंट है यानी हाथी। तीसरा, जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। और चौथा, जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी है यानी कि वन मानुष। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि इन चारों में से जंगल का राजा कौन है? मैं बताना चाहूंगा, कोई भी नहीं, क्योंकि जंगल का राजा तो शेर है। बट कैसे? क्योंकि हाइट जिराफ के पास है, पावर और साइज हाथी के पास है, स्पीड चीता के पास है और तेज दिमाग चिंपैंजी के पास है। तब तो जंगल का राजा इन चारों में से कोई एक होना चाहिए था। शेर कैसे है जंगल का राजा? क्योंकि शेर ना तो सबसे ऊंचा जानवर है, ना सबसे ताकतवर और बड़ा, ना सबसे तेज और ना ही सबसे बुद्धिमान जानवर है। लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा है, क्योंकि उसका एटीट्यूड राजाओं वाला है। क्योंकि जंगल के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर को जब शेर देखता है तो वो ये नहीं सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर है, ये तो झुंड में है, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। बल्कि शेर जब किसी जानवर को देखता है तो यही सोचता है कि मैं इसका शिकार कर सकता हूँ। और सारे जानवर भी शेर को देखते ही थर्राने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शेर में एक किलर शिकारी नजर आता है। ये है शेर की ब्रांड और वो अपने एटीट्यूड के दम पर जंगल का राजा बना। हमें तो अब तक स्कूल और कॉलेज में यही सिखाया गया है कि अगर आपको लीडर बनना है, सक्सेसफुल बनना है या लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको खूब पढ़ना पड़ेगा, टॉप करना पड़ेगा, बड़े कॉलेज से डिग्री हासिल करनी होगी, आपका IQ और एटीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए। पर कभी किसी टीचर ने ये बताया कि अपने एटीट्यूड पर काम करो और इसे डेवलप करो? नहीं बताया। फिर बोल रहा हूँ कैसे बताते, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर पता होता तो वो खुद आज लीडर नहीं होते। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन कट्टू सत्य यही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे एटीट्यूड और हमारी क्रिएटिविटी को यूजलेस बना देता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अंदर राइट एटीट्यूड को डेवलप करें ताकि आप भी सक्सेसफुल बन सके। तो दोस्तों, इस वीडियो से यही बताना था कि आप अपने एटीट्यूड को जिंदा रखें, उसे राइट एटीट्यूड बना के रखें और उसी एटीट्यूड के साथ हर एक चीज आप करें, काम करें, ताकि आपको सफलता जल्द से जल्द मिलेगी। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।